एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही तो रंग है इस देश का। देवे सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन बने। हर राज्य हर भाषा में जन जन तक इसकी पहुंच हो, और देश ही क्यों बल्कि विश्व के कोने कोने तक इसकी पहुंच हो, यही हम सबका प्रयास होना है और होना भी चाहिए। इसीलिए आज यहां आजादी के अमृत महोत्सव की एक वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव को जानने, उसे समझने, अनुभव करने और भाग लेने का ये एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। हमारे देश में भी सभी प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्र, सभी रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं, इस वेबसाइट पर अपने 75 वर्षों से जुड़े उत्सवों की वीडियोस और फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, और करना भी है, हम सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आजादी का अमृत महोत्सव के इस वेबसाइट का अपने कर कमलों से शुभारंभ करें। तो अमृत महोत्सव की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, इस बार दांडी यात्रा की 51वीं सालगिरह है, लेकिन आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में ये मौका और भी ज़्यादा खास हो जाता है। इसी वजह से भारत सरकार की तरफ से आज़ादी के 75 साल पूरे होने के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च को, यानी कि आज, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव शुरू किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अमृत महोत्सव 75 हफ्ते, 75 स्थान, और एक ऐसी तस्वीर इस दौरान जो हिंदुस्तान की असल रूपरेखा जन जन तक सामने रखेगी, जन जन तक लाएगी। काउंटडाउन भी यहां पर देखिए शुरू हो चुका है, और ये हो चुकी है आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत। तो डिजिटल तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव की ये शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए यहां पर की गई है। अमृत महोत्सव का ये मेगा कार्यक्रम, जिसकी डिजिटल तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस भव्य डिजिटल तरीके से इसका आयोजन यहां पर किया गया है। और इस बार क्योंकि दांडी यात्रा की 51वीं सालगिरह है और आजादी के 75 साल जब आगे पूरे होंगे, तो ये दोनों ही मौके आपस में मिलकर बेहद खास हो गए हैं। दांडी मार्च की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के युग में करने जा रहे हैं, 12 तारीख। तो 12 तारीख यानी कि 12 मार्च की तारीख भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद खास तारीख, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज करते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, और आज और दुनिया ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य भी बढ़ते हुए हमने नजर आएगा। लोकल के मंत्र को आत्मसात किया है, और वोकल फॉर लोकल के इस मंत्र ने हमें आत्मविश्वास दिया है, ऊर्जा दी है, और देश के विकास को एक नया आयाम और नई गति दी है। यहां स्थापित आपके समक्ष जो मंच के सामने ये चरखा है, ये उसी आत्मनिर्भरता का, वोकल फॉर लोकल का एक सुंदर भावपूर्ण प्रतीक है, जो बापू का प्रिय चरखा इस रूप में हमने इतिहास में जिसे देखा है। आज जब कोई भी आप लोकल प्रोडक्ट खरीदें आज के बाद से, उस प्रोडक्ट को आप उसकी फोटो क्लिक करें, और उस फोटो को अगर आप ट्वीट करते हैं हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ, तो ट्वीट के साथ ही ये चरखा, जिस समय एक ट्वीट के साथ इस समय ये चरखे के जो पहिया है वो घूम रहा है, ये इसी तरह घूमता रहेगा और लगातार घूमता रहे। इसलिए हम सब लगातार लोकल प्रोडक्ट्स को खरीद कर उसकी फोटो क्लिक करके उसे जरूर ट्वीट करें हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ। और आज के बाद ये चरखा, ऐतिहासिक चरखा जो है, वह ऐतिहासिक पवित्र साबरमती आश्रम में स्थापित किया जाएगा, और देश में विदेश में जब भी कोई हम अपने देश का लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे और ट्वीट करेंगे, तो ये चरखा इसी तरह घूमेगा। बहुत खूब। The Ministry of Culture, Government of India, in partnership with the Sabarmati Ashram Preservation Memorial Trust, is launching today a unique support and incubation scheme. It is aimed at India's rich culture and traditional connection with the natural world. Through this, we will support initiatives to bring back the heritage and skills that have become recessive and make new sustainable products based on plant and animal natural resources in such a way that it is an economically viable project.
By Atmanirbhar Incubator, we wish to contribute in making India self-dependent and give recognition of our Swadeshi knowledge. Through a short clip, let's see how it will ignite the spirit in our people to make the movement of Atmanirbhar Incubator a Jan Andolan. हजारों सालों से हमारा देश विश्व भर में अपने बेहतरीन कॉटन के लिए विख्यात था। अंग्रेजी शासन के समय बापू ने चरखे को आजादी के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारे अपने इंडिजिनस कॉटन की विरासत लुप्त होती गई। आज आंध्र प्रदेश का पोंदुरु गांव देश का इकलौता गांव बचा है, जहां महिलाएं कोंडा परुती यानी कि हिल कॉटन से सूत बनाती हैं। सदियों पुराने ऐसे कई पारंपरिक हुनर आज मार्केट लिंक और फंड के अभाव से विलुप्त होने की कगार पर हैं। मैं ये काम पिछले 40 सालों से कर रही हूँ। इससे होने वाली कमाई से ही हमने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है, लेकिन अब हम जो कमा रहे हैं वो हमारे परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं है, और अब हमारे बच्चे भी ये काम नहीं करना चाहते। आज अपनी विरासतों के पुनर्जीवन के लिए भारत